अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एके मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, 5 अगस्त को एक साल पूरा होने जा रहा है धारा 370 हटे हुए। चूंकि एक साल पूरा होने जा रहा है तो पाकिस्तान ने अब एक नया एजेंडा तैयार किया है, वो उस दिन पूरा दिन काला दिवस के रूप में बनाएंगे, किस तरह से आप इसे देखते हैं सर? देखिए, वो काला दिवस नहीं है और न वो कोई एजेंडा है, वो उनके उनके मातम का दिन है। शकूते ढाका, पाकिस्तान में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, ढाका के ऊपर भारत ने विजय पाई थी, तो उसको एक शब्द यूज करते हैं उर्दू में, शकूते ढाका। वो उसका भी मातम हर साल मनाते हैं और उसी मातम वाले दिनों में उनकी लिस्ट में एक चीज और जुड़ गई है, जब ये धारा 370 वगैरह JNK से हटाया गया। तो इसको काला दिवस और लाल दिवस ये सब चीजें कहने का कोई मतलब ही नहीं है। सकूते ढाका, फॉल ऑफ ढाका के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पराजय है जो है, जो कि बिना युद्ध लड़े हुए जो है इतना इनको इतनी करारी हार दी गई है। तो ये उसका मातम दिवस मना रहे हैं, न कि ये काला दिवस मना रहे हैं। और इस लिस्ट में अभी धीरे धीरे करके आप देखते जाइए कि और कई ऐसे दिवस जो है और कई ऐसे दिन जुड़ते चले जाएंगे, और एक दिन वो भी आएगा जब पाकिस्तान में हर महीने कोई न कोई ये मातम का दिन मनाएंगे, और फिर धीरे धीरे हर दिन इनके लिए मातम का दिन होता चला जाएगा। सर, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से मातम का दिन वो मनाना चाह रहे हैं 5 अगस्त को, क्या विश्व के कुछ अन्य देशों का साथ मिलेगा पाकिस्तान को? देखिए, कुछ अन्य देशों का ऑब्वियस आप एक चीज बोल सकते हैं, चाइना का, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी है कि चाइना खुल के नहीं आएगा। एक दो देश तो नहीं, मैं देश तो नहीं बोलूंगा, हाँ तुर्की ने कभी पाकिस्तान का फेवर लिया था, एक दो देश और हैं, लेकिन तुर्की वगैरह अपने आप में उलझे हैं। और जब तुर्की ने पाकिस्तान का फेवर लिया था, तुर्की और मलेशिया दो देशों ने फेवर लिया था, उनको करारा जवाब जो है दिया गया था भारत की तरफ से, वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ छुटपुट ऐसे संगठन हो सकते हैं जो हा हुल्ला मचाएंगे, हो सकता है कुछ लंदन में विरोध कर दे, 10-20 लोगों को इकट्ठा करके पैसे दे के, अमेरिका में कुछ विरोध वगैरह कर दे, लेकिन इसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि सांप निकल गया है, लकीर पीटने दीजिए आप पाकिस्तान को। ढाका अलग हो गया, सकूते ढाका हो गया, फॉल ऑफ ढाका हो गया, तो उनको मातम मनाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, ये भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है कि जो कश्मीरी राजनेता है जो कि हमेशा से भारत के आलोचक रहे हैं, वो किसी तरह का ट्वीट वगैरह कर दें? ट्वीट जरूर कर सकते हैं या कुछ न कुछ बोल जरूर सकते हैं, लेकिन इसकी भी संभावना बहुत क्षीण है। मैं समझता हूँ कि एक साल के भीतर भीतर लोकतंत्र का असली आनंद जो है इन लोगों ने लिया है, और इनको हमारे जितने भी कश्मीर के नेता हैं जो बहके हुए थे, और ये बहके हुए नौजवान, जिनको कुछ नेता लोग बोलते थे जो पत्थरबाज लड़के थे, ये बहके हुए नौजवान हैं, उनको भी अब पता चल गया होगा कि असली स्वतंत्रता या आप भारतीय लोकतंत्र कितना महान है, और उसका स्वाद उन्होंने चख लिया है। तो मुझे नहीं लगता है, उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जरूरत करेगा कि फिर से पत्थर उठा के फेंके या कुछ ब्लैक झंडे काले झंडे दिखाए या कुछ ट्वीट वगैरह करे। लेकिन इंतजार जरूर है कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कौन से लोग अभी बचे हुए हैं जो कि इस तरीके की ट्वीट करते हैं। बिल्कुल एके मिश्रा जी, देखिए काला दिवस मना रहा है पाकिस्तान, मातम मना रहा है, दुख है इस बात का कि धारा 370 हट गई, लेकिन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। जिस तरह से रोजाना उल्लंघन किया जाता है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीमा पर लगातार गोलीबारी की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, मातम फिर किस बात का है, अपनी हरकतों से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। देखिए, होता क्या है, सांप का फन अगर कुचल दिया जाए या काट के अलग कर दिया जाए तो भी जो उसकी पूंछ है ना, वो फड़फड़ाती रहती है। अब पाकिस्तान की हालत यही हो गई है, बिना फन का नाग है, उसकी पूंछ, उसकी दुम फड़फड़ा रही है, और वो भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। कुछ वर्षों की बात है, पाकिस्तान का अस्तित्व ही मुझे लगता है जिस हिसाब से वो कर रहा है वो खत्म होने वाला है, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। वो 70 सालों से उनकी बहुत सारी पॉलिसीज रही हैं, 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, आज़ादी के बाद से ही ये चलाते रहे हैं। अब सब कुछ करके ये थक हार के बैठ गए हैं, तो कम से कम बेचारों को मातम तो मना लेने दीजिए। सकूते ढाका के बाद मातम मनाने का एक साल में एक बार इनको मौका मिला है, तो मातम तो मना लीजिए, मना लेने दीजिए, क्योंकि त्यौहार तो वो मना नहीं सकते हैं। कोई ऐसा उनके पास खुशी का रीजन या कारण नहीं है, अकेजन नहीं है जिस पे वो खुश होके एज ए त्यौहार की तरह मनाए या सेलिब्रेट करें, तो मातम ही मना लेने दीजिए।
कर दुष्प्रचार किया जाए भारत का, उसके लिए तमाम पैसा खर्च किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। चैनल्स को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना जो चैनल का लोगो है वो ब्लैक कर दीजिए। अखबारों को निर्देश दिए गए हैं कि आप दुष्प्रचार कीजिए भारत का, लंबे लंबे आप लेख छापिए। इस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये भी खबर मिल रही है कि जो भारत के आलोचक हैं उनको रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उस दिन। इतना पैसा आखिर पाकिस्तान के पास आता कहाँ से है, जबकि माली हालत हो चुकी है इस समय पाकिस्तान की। हम देख पा रहे हैं कि पैसा अर्थव्यवस्था कैसी एकदम कुचल गई है। पैसा ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। जब आदमी अपना अंतिम उद्देश्य ही ये मान ले कि हमें भारत के खिलाफ ही करना है और कहीं पे भी ना पैसा लगाना है, वो चाहे लोन ले चाहे कुछ करे, एक चांसेस ये हो सकते हैं कि चाइना हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हो। पहले भी जब ये पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता था तो फंडिंग हमेशा दूसरे देशों से होती थी। अभी चाइना उसका नया एलाइज है। पैसे के दो ही सोर्स हैं, या तो कोई फॉरेन बॉडी जैसे चाइना वगैरह हो गया वो कर रही होगी, या अपने घर में जो बचा खुचा पैसा है उसको इस पे लगाना, ग्रोथ करना, पीस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। इससे कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने भी ऐसा ही प्रोपोगंडा चलाया था, जबकि वो बहुत स्ट्रांग जो है मीडिया है, उसको भी, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल हैं, उसको भी हमने रास्ता दिखा दिया। और कल भी हम देखेंगे कितने इंटेलेक्चुअल इनके पैसे के दम पर आकर के भारत की छवि को धूमिल करते हैं। चमकते हुए हीरे की छवि को कभी धूमिल नहीं किया जा सकता है। हजारों साल से भारतीय छवि का एक इतिहास है। भारत की जो छवि बनी है दुनिया में वो कोई 10, 20, 50, 100 सालों में नहीं बनी है, हजारों साल से यहाँ की छवि जगमगा रही है और लाखों लोगों ने इसमें मेहनत की है, लाखों करोड़ों कई पीढ़ियों ने लाखों साल से ये मेहनत की है। तो इतना आसान नहीं है भारत की छवि को धूमिल करना, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब ये धारा हटी थी तब भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है कि मिश्रा जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू।